ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, ये बड़ी खबर आपको बता दें। 23 अप्रैल को वे जांजगीर महासमुंद में सभा करेंगे और 23 अप्रैल को राजभवन में उनका रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 24 अप्रैल को फिर वे सरगुजा में जनसभा भी करने वाले हैं। तो ऐसा संभवतः बहुत लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ होगा जब छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री 2 दिन का प्रवास करें और रात्रि विश्राम भी करें। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा जो है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, 24 अप्रैल को सरगुजा जाएंगे और यहां पर उनकी सभा है, लेकिन उसके पहले 23 तारीख को 2 जगह वे रैली करने वाले हैं, सभा करने वाले हैं, जांजगीर में और महासमुंद में। और इसके बाद फिर 23 अप्रैल को ही राजभवन में वे रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री करेंगे और उनके दौरे को लेकर राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन उनके दौरे के पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले जो है अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में, और वो तैयारियों को लेकर, पीएम के दौरे को लेकर जो है वो तमाम रणनीति और तमाम विचार मंथन करने में जुटे हुए हैं। और कल भी फिर वे कांकेर जाएंगे और सभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनावी अभियान जारी है। गुना में सिंधिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हर तरफ भ्रष्टाचार और आतंकवाद था, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती। आज कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। क्या किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, क्या किया कांग्रेस ने देश में? प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी चल रहा था सरेआम। लाइसेंस चाहिए तो, मुआवजा राशि चाहिए तो, राशन चाहिए तो, पेंशन चाहिए तो, आवास योजना चाहिए तो, 2020 में मैंने सरकार को गिराकर उनके पैसे बनाने मशीन का तारी काट दिया। आज भाषण देने आ रहे गुनार शिवपुरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।